तो फाइनली गाइस रजनीकांत सर, अमिताभ बच्चन सर के फैंस जिस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फिल्म वेटैया का, फाइनली ये फिल्म कल सिनेमाघरों में 10 अक्टूबर को दस्तक देने वाली है। फिलहाल फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है और अपने फर्स्ट डे के लिए एक मजबूत एडवांस बुकिंग वेटैया ने कर ली है। और दोस्तों अभी भी फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है क्योंकि कल 10 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उम्मीद है कि कल 10 अक्टूबर को जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो अपने पहले ही दिन एक बड़ी ओपनिंग लेने में ये फिल्म कामयाब रहेगी। इंडिया के अंदर 3 भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया जाना है, तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में। और दोस्तों हिंदी में फिल्म को उतना ज्यादा रिस्पांस तो नहीं मिल रहा है, लेकिन तमिल भाषा में फिल्म पूरी तरह से धमाल मचाने वाली है और तेलुगु भाषा में भी यह फिल्म बहुत बड़ा कमाल करने वाली है। आपको बताता चलूं मैं कि एक तमिल लैंग्वेज की बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि टीजे के डायरेक्शन में बनी है, जिसको प्रोड्यूस किया है सुभाष करण अल्ली राजा ने। और फिल्म में हमें रजनीकांत सर, अमिताभ बच्चन सर, फहाद फासिल, अराना दग्गुबती, मंजू वारियर, रितिका सिंह और इसके अलावा दुशहरा विजयन अहम किरदार में नजर आने वाले। और दोस्तों फिल्म का जो बजट है वो लगभग 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम बात करें तो पहले एडवांस बुकिंग पर नजर डालते हैं कि किस तरह से ये फिल्म एडवांस बुकिंग कर रही है। तो सबसे पहले स्टेट वाइज बात करेंगे, तमिल, तेलुगु, हिंदी तीनों भाषाओं का एक ही साथ बात करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर तमिल, तेलुगु, हिंदी तीनों भाषाओं का अलग अलग बताया जाएगा। तो इसीलिए स्टेट वाइज बात करते हैं कि फिल्म का आखिरकार कैसा हाल चल रहा है, कितने परसेंट की ऑक्यूपेंसी फिल्म के पास, कितने कितने शोज है, कितने हाउसफुल है, कितने खाली है। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पे 8% की ऑक्यूपेंसी है फिल्म के पास, 855 शोज है जिसमें से 6 शोज ऐसे हैं जो पूरी तरह से फुल है और 35 शोज ऐसे हैं जो फास्ट फिलिंग है। असम में 14% की ऑक्यूपेंसी है लेकिन फिल्म के पास सिर्फ एक ही शोज है। बिहार के अंदर 0% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास सिर्फ 15 शोज है। छत्तीसगढ़ में 1% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 16 शोज है। गुजरात में 1% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 65 शोज है। हरियाणा में 4% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 3 शोज है। कर्नाटका की अगर बात करें तो यहां पे 13% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 1249 शोज है। और 1249 शोज में तकरीबन 80 शोज ऐसे हैं जो पूरी तरह से हाउसफुल है और 100 शोज ऐसे हैं जो फास्ट फिलिंग है। केरला के अंदर भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, फिल्म की 9% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 1530 शोज है जिसमें से 50 फुल है और 100 यहां पे फास्ट फिलिंग है। मध्य प्रदेश में 0% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 38 शोज है। महाराष्ट्र में 7% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 155 शोज है। ओडिशा में 0% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 55 शोज है। पंजाब में 3% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 9 शोज है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो भैया तमिलनाडु में तो फिल्म को आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि तमिल के बड़े सुपरस्टार हैं रजनीकांत सर, इनको पूजा जाता है, माना जाता है, बहुत बड़े एक्टर है तमिल के रजनीकांत सर। तो तमिलनाडु में 32% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 3021 यानी कि 3021 शोज है और 3021 शोज में 856 शोज ऐसे हैं जो पूरी तरह से हाउसफुल है और 452 फास्ट फिलिंग है। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां पे भी लगभग 9% की ऑक्यूपेंसी, फिल्म के पास 745 शोज है। उत्तर प्रदेश में 4% की ऑक्यूपेंसी, 10 शोज है। उत्तराखंड में 0% की ऑक्यूपेंसी, 15 शोज है। वेस्ट बंगाल में 11% की ऑक्यूपेंसी, 13 शोज है। अंडमान में 36% की ऑक्यूपेंसी है, 16 शोज है। दिल्ली में 6% की ऑक्यूपेंसी है, 25 शोज है। जम्मू एंड कश्मीर में 11% की ऑक्यूपेंसी है, 2 शोज है। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की एडवांस बुकिंग की तो दोस्तों तमिल भाषा में ये फिल्म लगभग 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। तेलुगु भाषा में फिल्म ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है और हिंदी भाषा में फिल्म ने अभी तक सिर्फ 1 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग की है। तो फिल्म की जो ऑल इंडिया में टोटल एडवांस बुकिंग हुई है अभी तक, और दोस्तों आपको याद रहे कि फिल्म को रिलीज होने में अभी भी कुछ घंटों का टाइम बाकी है। ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं ये आज 9 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक का अपडेट है। तो अभी तो फिल्म की आज शाम तक एडवांस बुकिंग होगी और फिर उसके बाद रात को भी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 13 से 14 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग अपने फर्स्ट डे के लिए तमिल, तेलुगु, हिंदी तीनों भाषाओं में फिल्म वेटैया कर लेगी, 13 से 14 करोड़ रुपए की। अब दोस्तों अगर बात करें फिल्म की ओपनिंग की तो मुझे लगता है कि फिल्म की जो ओपनिंग होने वाली है इंडिया के अंदर तमिल, तेलुगु, हिंदी सभी भाषाओं में, देखो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग करेगी ये फिल्म हिंदी भाषा में, वेटैया अमिताभ बच्चन और रजनीकांत सर की हिंदी भाषा में। कल फिल्म का जो कलेक्शन रहेगा वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा।
लेकिन वही अगर मैं तमिल की बात करूं तो तमिल में तो फिल्म को शानदार रिस्पांस मिलेगा, फिल्म कम से कम 30 करोड़ रुपए तमिल भाषा से करेगी। और इसके अलावा अगर मैं तेलुगु की बात करूं तो तेलुगु भाषा में ये फिल्म कम से कम 4 करोड़ रुपए करेगी। तो कुल मिला के फिल्म की जो फर्स्ट डे पर कल ओपनिंग है वो 35 करोड़ रुपए ऑल इंडिया से होने वाली है, तमिल तेलुगु हिंदी तीनों भाषाओं में, यानी कि आप मान के चलिए कम से कम 35 करोड़ रुपए, 30 करोड़ तमिल से और तेलुगु से 4 करोड़ और हिंदी भाषा से 1 करोड़, तो टोटल 35 करोड़ नेट आएगा कल वेटैया का। इसके अलावा अगर मैं फिल्म की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग की बात करूं तो ओवरसीज में भी फिल्म को लेकर अच्छा क्रेज दिख रहा है और उम्मीद है कि कम से कम फिल्म की जो वर्ल्ड वाइड ओपनिंग है वो 50 करोड़ रुपए से भी ऊपर की होगी। लेकिन दोस्तों भी देखने वाली बात ये होगी कि कल जब फिल्म रिलीज होगी तो फिल्म को किस तरह के रिव्यू मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आप कितना इंतजार कर रहे हो फिल्म का कमेंट में जरूर बताइएगा।